तो इसके लिए हमने 400 ग्राम दूध ले लिया एक बर्तन में। आप बॉयल करने के लिए रख देते हैं। दूध धीरे धीरे गाढ़ा करेंगे। ये देखिए दूध हमारे गाढ़ा हो चुका है, दूध का कलर भी चेंज हो गया है और दाने दाने आ गया दूध में। दूध 400 ग्राम से 200 ग्राम से भी कम हो गया है, 150 ग्राम जितना हो गया। अब इसमें हम आधी टीस्पून कस्टर्ड ठंडा दूध में, 2 चम्मच ठंडा दूध लिया, इसके अंदर घोल देते हैं। अच्छे से घुल गया ये कस्टर्ड। अब ये इस दूध में के साथ डाल देते हैं, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, ये कलर भी अच्छा आएगा। ये हो गया कस्टर्ड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देख सकते हो दूध कितने गाढ़ा बन चुका है, दानेदार हो गया। अब 2 इलायची इसमें डाल देते हैं, इसमें खुशबू अच्छा आएगा। अब इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालना है, मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपना स्वाद अनुसार डाल दीजिए। चीनी घोल लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें 4 काजू और 4 बादाम मैंने दानेदार करके कूट लिया, ये डाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, थोड़ी सी ठंडे होने के बाद कुल्फी का बर्तन में ये जमने के लिए रखेंगे। देखिए कुल्फी के लिए जो दूध हमने बनाए थे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये कुल्फी का बर्तन में डाल देते हैं। ऐसे करके सब में डाल देते हैं, फिर फ्रीजर में रख देंगे 3-4 घंटा के लिए, जब तक जम नहीं जाते। अब इसमें ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। और 5 से 6 घंटा तक ये फ्रीजर में रख देंगे। देखिए हमारे कुल्फी बनके तैयार हो गया है। बादाम काजू भी कितने अच्छे से दिख रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप भी बनाइए, और आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।